तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे आज जीएमआर पावर के बारे में। अब देखिए, इस स्टॉक को अगर हम लोग देखेंगे ना, तो ये लॉन्ग टर्म के एसएम के स्टेज वन में था, ठीक है ना। लेकिन अब खुशखबरी आ चुकी है एसएम लिस्ट से। देखिए, लॉन्ग टर्म के एसएम लिस्ट स्टेज वन में था, रिव्यू इसका हुआ है और रिव्यू में ऐसा पाया गया है कि सब कुछ कंपनी में ठीक चल रहा है, तो अब इसको जो है रिमूव कर दिया जाएगा। ये मैं लिस्ट ओपन किया हूँ जिन स्टॉक्स को 11 दिसंबर 2023 से रिमूव कर दिया जाएगा, मतलब जो ट्रेडिंग सेशन हम लोगों का नेक्स्ट आने वाला है वो 11 दिसंबर से ही आने वाला है, क्योंकि 9-10 तो छुट्टी ही रहेगा। तो उसमें अगर लिस्ट में देखेंगे आप लोग, तो 8 नंबर पे आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा। ये 8 नंबर पे जीएमआर पावर, जो इसका स्क्रिप्ट कोड भी है, सिंबल भी है, और यहाँ पे इसका पूरा नाम आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जीएमआर पावर एंड अर्बन इंफ्रा लिमिटेड दिख जाएगा। तो इसको जो है अब इसको रिमूव कर दिया जाएगा एएसएम के लॉन्ग टर्म के स्टेज वन से। तो ये इसके लिए अच्छी बात है। इसका ISIN नंबर भी यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये खुशखबरी मैं दे रहा हूँ, इस खुशखबरी की वजह से प्लीज करके आप लोग सभी लोग लाइक करिएगा, जितने भी जीएमआर पावर वाले शेयर होल्डर हो। तो चलिए, ये तो यहाँ तक कहानी खत्म हो गई। अब आगे क्या करना है, आगे देखिए टेक्निकल एनालिसिस ही बताऊंगा, बाकी बाद में अपडेट कुछ आता जाता रहेगा तो मैं बताता रहूंगा, और कंटिन्यू उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा जब भी कोई अच्छा सा अपडेट आएगा, ठीक है ना। जो हाई था उसी हाई का मैं आप लोगों को टारगेट बताया था अपने पिछले वीडियो में, सपोर्ट आप लोगों को जो 33 रुपये के आसपास बताया था, ये वाले कंडीशन पे जब था तब मैं आप लोगों को, जब 4 छोटी छोटी रेड कैंडल बनी थी तब खरीदारी करने के लिए बोला था, और देखिए टारगेट मिल चुका है। अब तो रिमूव हो चुका है, लेकिन ये 2-3 दिन से आप लोग नोटिस करोगे कि फिर से भाग रहा है। अब 25% की तेजी फिर से अगर 4-5 दिन के अंदर आ जाती है ना, 16%, 20%, चलिए ठीक है, थोड़ा सा और अगर ऊपर तेजी आ जाती है ना, तो ये फिर से जो है इसी तरह के शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के जो है लिस्ट में फिर से जा सकता है। फिलहाल में 44 रुपये का इसका सपोर्ट रहेगा, और अब हम लोगों का जो टारगेट रहेगा वो ट्रेल होके हो जाएगा लगभग लगभग, यहाँ से अगर एक गिरावट आती है तो भी हाँ 60 रुपये के आसपास का, 58 रुपये के आसपास का हम लोगों को इसमें टारगेट मिलने की अब फिर से जो है संभावना है। एक बार 43 रुपये 44 रुपये का लेवल फिर से टच करने के लिए आ सकता है, तो गिरावट में ही खरीदारी करने का व्यू रहेगा, ठीक है ना। हालांकि आप लोग चांस लेना चाहते हो तो छोटा मोटा क्वांटिटी चांस ले सकते हो, अभी तो अपर सर्किट में चल रहा है, तो देखते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।